अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? रमज़ान स्पेशल के हवाले से मैं आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो है ब्रेड पोटैटो सैंडविचेस, जो बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। और उसके लिए जो मैंने सामान लिया वो आप लोग नोट कर लीजिए। 4 दरमियाने साइज़ के आलू, जिसे मैंने धोकर अच्छी तरह बॉयल कर लिया और फिर इनका छिलका उतार दिया। 6 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए, आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 प्याली केचप, और इस केचप की रेसिपी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, वीडियो के लास्ट में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 1 कप हमने बेसन लिया है, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून हल्दी, 4 हरी मिर्चें जिसे मैंने धोकर अच्छी तरह बारीक बारीक काट लिया, हरा धनिया और 1 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। तो ये वो तमाम चीज़ें जो हमें अपने रेसिपी के लिए चाहिए। तो चले आए हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं बेसन की जो कोटिंग है वो तैयार कर लेती हूँ, और उसमें मैं 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं जाएंगे, बस ये डालकर हमें एक इसकी ना बहुत ज़्यादा पतली और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, एक पहले इसको मैं मिक्स करूंगी। और बेसन को मैंने छान लिया था, आप जब भी बेसन का या मैदे का इस्तेमाल करें तो आप उसे छान के इस्तेमाल करें। चलें, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ इतना कि ये एक मुझे कोट करने के लिए मिल जाए। ये देखें, ये अभी थोड़ी थिक हो रही है, मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी बस, और इसे मैं एक साइड पर रख दूंगी कि ये बहुत अच्छी तरह से जो है सेट हो जाए। तब तक हम आलू मैश कर लेंगे। चलें, बस ये इतनी देख लें आप थिकनेस इसकी, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। चले, इसे मैं एक साइड पे कर देती हूँ और अब मैं अपने आलू मैश कर लेती हूँ। रमज़ानों में टाइम लिमिट कम होता है तो ये चीज़ें आप पहले से ही करके रख लें, और जब आपको फ्राई करना हो आप निकालें और इसकी लेयर लगाएं और फटाफट आप इसको फ्राई कर लें। चलें, ये हो गया। अब इसके अंदर ये जो मैंने आपको मसाले दिखाए हैं, मिर्चें, हल्दी, अजवाइन, प्याज, साबुत धनिया, ज़ीरा, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सब चीज़ें डालकर मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जो है मिक्स कर दूँगी तमाम चीज़ों को। चलिए, मैं ये मिक्स करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को ये फीलिंग्स मैंने ब्रेड में लगाने के लिए बिल्कुल रेडी कर ली है, और अब इसे भी हम साइड पर कर देते हैं। और अब मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। हमने एक स्लाइस लिया ब्रेड का, और ये केचप, ये हमने केचप लिया और इस स्लाइस पर हम इसको लगा देंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि जब हम इसकी बाइट लें तो अब बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आए केचप का भी। बहुत अच्छी तरह आप इसको लगा दें चारों तरफ। ये लगा दिया हमने, और अब हम दूसरे स्लाइस पर ये जो हमने आलू की फिलिंग बनाई है इसे हम रखेंगे, और इसे भी हम पूरे में फैला देंगे इस तरह, देखें चारों तरफ। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर भी नहीं लगाइएगा, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। एक वाली लगाइएगा हर तरफ एक जैसी, ये देखें कॉर्नर पर भी लगाए। और अब ये दूसरा वाला जो ब्रेड है ये हम रखेंगे, और अब दूसरा वाला ब्रेड हम इस पे रखेंगे, और हम इसको हल्के से हाथ से प्रेस करेंगे। ये हमने कर दिया, अब हम इसको नाइफ़ की मदद से जो है कट कर देंगे ट्रायंगल शेप में। ये देखें आप,
ये देखिए फिलिंग्स भी कितनी अच्छी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। और अब इसे मैं बेसन में डिप कर फ्राई करूँगी। इस तरह मैं सारी जो है ब्रेड की तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे मैंने स्लाइस ब्रेड के तैयार कर लिए रेडी, और अब इसे मैं बेसन की जो कोडिंग मैंने बनाई है उसमें डिप करके इन्हें फ्राई करूँगी। तो चले आए चलते हैं फ्राई करने की तरफ। चलें स्टार्ट करते हैं। एक पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया ऑयल डालकर कि वो गर्म हो जाए, और इसको हम इस तरह इसमें डालेंगे। ये देखिए आप, और हम इसे स्पून की मदद से इस तरह टर्न कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इस पर कोटिंग नहीं चढ़ानी है, बस इतनी चढ़ानी है कि ये आराम से जो है, और इसको मैंने निकाल लिया, जितना इसमें से इजाफी होगा वो निकल जाएगा। और अब इसे मैं ऑयल में डाल दूँगी। व्यूअर्स, ये कोटिंग इसके ऊपर करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। क्योंकि अंदर जो हमने चीज़ें डाली हैं वो तो आपको पता है कि सब पकी हुई चीज़ें, आलू जो हैं बॉयल थे, तो हमें अंदर तक तो इसको पकाना नहीं है, सिर्फ एक प्यारा सा कलर आना चाहिए। और ये हमने दूसरा भी डाल दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे टर्न कर देती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। आपको जलाना नहीं है इसे कि आप बहुत ज़्यादा इसको करने लगें। ये देखें बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई रेसिपी आप लोग बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। अब ये मैं निकाल लेती हूँ, ये हो चुका है। इसी मेथड से मैं सारे बना लूँगी। देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सारे पोटैटो सैंडविच रेडी कर ली, और ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में ही, खाने में भी मज़ेदार, और ये बहुत क्रिस्पी बने, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। आप देखें इसकी फीलिंग्स भी नज़र आ रही है। आप रमज़ानों में ये रेसिपी बनाएं, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। और आप केचप के साथ इसे सर्व करें, हरी चटनी के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।